नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। बीते कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। ये बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में ये घटनाएं सत्य हैं, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है, ये तो हम नहीं जानते। कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अब शकुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिशें भी रची जा रही हैं। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि ये अब शकुन नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है, और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे, और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो देर ना करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली? कैसे 150 से अधिक इनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश? कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जो कि काफी हिट हुई थी और यह पिछले साल ही रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन एक घंटा गुजरता है, दो घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता है। दो घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। ये वो मोटर था जिससे पानी निकलता है, आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा, पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 से 2019 तक वो एसटीएफ में कार्यरत रहे। इनके नाम 150 इनकाउंटर भी हैं। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में एक घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की यह साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। चूंकि यह जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी, तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं ना कहीं आरडीएक्स रखा गया हो। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एसटीएफ टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वह व्यक्ति भागने लगता है। यह व्यक्ति पूरी तरह एसटीएफ दस्ते के ही यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दौड़ाकर पकड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है, अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर दो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा
हनुमान गढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमान गढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा, तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि यह बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहां पर चेक करे। उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वह जोर से चीखता है और इस चीख से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है, वो कहता है, अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था, वह तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमान गढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमान गढ़ी को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों के आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और अपने आप को वह भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वह छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंग बली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंग बली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। यह वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में मई में रिलीज भी हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे वो भी इसी मूवी के ही हैं। तो दोस्तों, आज हमें यह लगा कि यह घटना आप तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, तो हमने पहुंचाया। अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर करें। इसको लेकर के इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियोस मिल जाएंगे और तो और वह फिल्म भी मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है। इसी तरह की और भी घटनाएं आप जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट में देना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंगबली।